अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जब मैं सुबह उठी थी, ये सुबह कोई 10 बजे का व्यू मैं आपको भी दिखा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फोगी हुआ हुआ था। इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो था सुबह कि मैंने सोचा आज कुछ हॉट कुछ इस तरह की ड्रिंक बनाई जाए। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि उसके बाद इतनी तेज़ गर्मी हो गई यहाँ पर कि टेम्परेचर इतना गिर गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब हम कुछ रिफ्रेशिंग सी एक ड्रिंक बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत रिफ्रेशिंग बहुत इजी सी ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ। इट्स लाइक लेमनेड या लेमन विद सोडा, जिस तरह से भी आप कह सकते हैं। नॉर्मल साशेस के अंदर डिफरेंट टैंग या इस तरह की चीज़ों में तो ये मिलते हैं, लेकिन बहुत इजी है कि मैं आपको ख़ुद से बनाना सिखाऊं। इसके लिए मैंने स्प्राइट ली है, 1/2 लीटर पानी लिया है, 1/2 लीटर, 1/2 टीस्पून मैं सॉल्ट यूज़ करूँगी, इसके अलावा 4 टेबल स्पून शुगर के हैं, ब्लैक सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून ऑलमोस्ट ब्लैक पेपर, और एक लेमन लिया है इसके लिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं घर में नॉर्मल ही अवेलेबल होते हैं। चलें अब मैं आपको जल्दी से एक इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये पानी का जो फ्लास्क है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर 4 टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे शुगर जो है वो बहुत ही पाउडरी फॉर्म में मिलती है, तो आपको नमक और चीनी में कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। काफ़ी दफ़ा तो मैं भी भूल जाती हूँ, मुझे स्मेल करके पता करना पड़ता है कि ये शुगर थी या ये सॉल्ट था। तो शुगर डाली, उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद हम 1/2 टीस्पून ले रहे हैं सॉल्ट। मेरे पास स्पून बड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं, तो उससे अंदाजे से 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब शुगर अच्छे से मिक्स होगी, उसमें सॉल्ट हमने ऐड कर दिया, और इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि ये सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएं पानी के अंदर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद ब्लैक सॉल्ट। ये ऐड करके अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करें कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और आपको याद रहे कि सारी चीज़ें तो डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ब्लैक पेपर नहीं होगा, क्योंकि काली मिर्च जो है वो पानी में मिक्स नहीं होती है बिल्कुल, वो वैसे ही पानी के अंदर सिंक करती रहती है। तो ये देखें कितना अच्छा सा ये इस फ्लास्क में ऐड हो गया। वाओ, आप देख रहे हैं ब्लैक पेपर के पार्टिकल्स कैसे इसके अंदर नज़र आ रहे हैं आपको घूमते फिरते। ये बहुत अच्छे से ऐड हो गया, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गया इसमें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मिक्सचर बन गया स्प्राइट। अब आपने ये रख लेना है फ्रीज़र के अंदर, और आपने इफ्तार के टाइम निकाल के इसको सर्व करना है। अजानें शुरू हो गई हैं, इफ्तार का टाइम हो गया है यहाँ पर। अब हम इसको सर्व करते हैं। वैसे तो मैंने इनको फ्रिज के अंदर रख दिया था, लेकिन अब आप चाहें तो सम कुछ आइस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पे आपने सर्व करने से कुछ 5-10 मिनट पहले आपने इसके अंदर स्प्राइट ऐड करनी है। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो स्प्राइट के सारा जो सोडा है वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। आप उसी टाइम ऐड करें। आइस क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। उप्स, ये नीचे भी गिर गई एक, जल्दी जल्दी में, क्योंकि अजान हो गई है, टाइम काफ़ी शॉर्ट है मेरे पास, कि मुझे भी रोज़ा इफ्तार करना है। तो ये देखें कि रेडी है। आप ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कितना अच्छा सा मैंने ग्लासेस के अंदर इसको डाल दिया है, वाओ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी टेस्ट किया है, बहुत मज़े का बना है ये, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।